है आप सभी का जेटीवी भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। नेपा नगर से सटे ग्राम साग फाटा में पति पत्नी के आपसी विवाद में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या का मामला सामने है। मिली जानकारी के अनुसार झिरनिया निवासी राजेश पिता सुखलाल अपनी पत्नी संगीता के साथ भगोरिया में शामिल होने परिजनों के यहाँ नेपा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत साग फाटा गाँव आया था, जहाँ मंगलवार देर रात राजेश और संगीता के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद आरोपी राजेश द्वारा बुधवार सुबह अपनी पत्नी संगीता को घर के बाहर धारदार हथियार से हमला कर घायल किया गया। रिश्तेदारों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने पर उनके द्वारा संकेता को मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना उनके द्वारा नेपा नगर थाने में दी गई। नेपा नगर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच कर पंचनामा बनाया एवं विवेचना प्रारंभ कर दी। प्रारंभिक रूप से पुलिस द्वारा बताया गया कि राजेश एवं संगीता के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद राजेश द्वारा संगीता पर हमला कर उसे घायल किया गया, जिसमें संगीता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले में संज्ञान लेते हुए नेपा नगर थाना प्रभारी ज्ञानु जायसवाल द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश पिता सुखलाल को तत्काल गिरफ्तार कर नेपा नगर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मृतक संगीता के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। क्या घटना हुई है? आज सागपाटा में एक महिला के हत्या की सूचना मिली थी, सरपंच के द्वारा बताया। मौके पर जाकर देखा तो जो है मास्टर बारेला के खेत में मृतिका संगीता पति राजेश की डेड बॉडी रहने वाली, ये जो झिरनिया की है, झिरनिया महोड़ फाटा की, उसकी बॉडी मृत अवस्था में थी। जाकर फिर पता किया तो पता चला कि राजेश जो उसका पति है, ये कल से दोनों निकले थे और घर नहीं पहुंचे, तो इनके परिजन तलाश करते हुए आए और इन्होंने बताया कि इसका जो पति राजेश, इनका दोनों का विवाद चल रहा था, इसी विवाद के चलते उसके पत्थर से कुचल के राजेश ने हत्या कर दी।